नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। न्यू लाइब्रेरी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वन लाइनर सीरीज़ की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्नेट की, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क की। इससे पहले मैं और भी वीडियोस बना चुकी हूँ जो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में है शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, और इंग्लिश में इसे कहेंगे हम एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अर्नेट की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, किस वर्ष हुई थी, यानी कि तो अर्नेट की स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में अर्नेट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसके द्वारा अर्नेट की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी अर्नेट की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि जिसे कहते हैं UNDP। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आपको ठीक लगे आप देख लीजिए। अर्नेट का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। आप इसका क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अर्नेट क्या है, व्हाट इज़ अर्नेट। तो अर्नेट क्या है, अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अर्नेट का लक्ष्य क्या है, अर्नेट का गोल क्या है, क्या है इसका गोल। तो फ्रेंड्स, इसका गोल है शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या करना, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क को बढ़ावा देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, अर्नेट किसके अधीन एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज है। तो किसके अधीन है, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता ज़रूर है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर एट, किस वर्ष एक स्वायत्त वैज्ञानिक समाज अर्नेट इंडिया बन गया। तो किस वर्ष बना था, तो ये बना था 1998 में। कब बना था, ठीक है, एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी कब बना था अर्नेट, 1998 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारत में नेटवर्क को फैलाने में किन की भूमिका रही है। तो भाई बहुत सारी चीज़ों की रही है, लेकिन उनमें एक अर्नेट भी शामिल है, क्योंकि हम यहाँ अर्नेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे आएगा अर्नेट। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, अर्नेट किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो देख लीजिए, एक्सेस सर्विस, होस्टिंग सर्विस, एप्लीकेशन सर्विसेज, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्नेट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने यहाँ करा दिए हैं, फिर वही दोहरा रही हूँ, अगर कुछ भूल गई हूँ, कुछ गलत बता दिया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही कर दीजिए, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। ठीक है, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।